मैं हूँ पाम बीच रोड पे और आइए देखते हैं कि पाम बीच रोड पे इतनी एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं और पाम बीच रोड को क्या क्या सुधार में लाना चाहिए। जी हाँ, ये रही पाम बीच रोड, ये देख सकते हैं आप कुछ बिल्डिंग्स और ये देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं। ये आप देख रहे हैं गाड़ियाँ आ रही हैं। गाड़ियों की स्पीड देख के लगता नहीं है कि इन गाड़ियों को 60 की स्पीड पे चलाया जा रहा है, तो ये गाड़ियाँ डेफिनेटली 100, 80, 100, 120, कोई कोई अनाड़ी 140, 160 पे भी जाता है। तो ये है, देखिए आप देख सकते हैं उस तरफ भी गाड़ियाँ, देखिए कोई भी 60 किलोमीटर स्पीड का वायलेशन कर रहे हैं सभी के सभी। और यहाँ पे जो है वो स्पीड लिमिट के हिसाब से जो है वो आरटीओ पुलिस, ट्रैफिक पुलिस को और पुलिस को साथ साथ जो स्पीड गिनती करते हैं उसको लेके यहाँ पे होना चाहिए, मगर वो मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ, यहाँ पे स्पीड को चेकिंग करने के लिए कुछ भी नहीं। यहाँ से जो रोड जाती है तो आगे जाके कर्व है, जो कर्व राइट साइड में टर्न हो रहा है, जैसे कि ये जो यहाँ कोने पे लगा, आप देखिए रोड और इसके बीच में डिस्टेंस देखिए, यदि आदमी फर्स्ट लेन में चल रहा है यानी कि डिवाइडर की तरफ से चल रहा है तो उसको ये जो साइन बोर्ड्स हैं वो क्लियरली नहीं दिख पाएंगे। तो इन साइन बोर्ड्स को, ये जो रोड स्ट्रीट लैंप्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है इन साइन बोर्ड्स को लगाने के लिए दोनों तरफ से। और आगे चलते हैं, ये जो रेलिंग्स लगी हैं, जी हाँ ये जो रेलिंग्स लगी हैं इन पे कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं है, यानी कि रात के वक्त जो ये रेलिंग्स हैं उनका दिखना नामुमकिन है। देखिए ऑटो रिक्शा भी देखिए, बाइक्स भी देखिए, क्या ये आपको 60 किलोमीटर की स्पीड को मेंटेन करते हुए दिख रही हैं? नहीं। तो ये है पाम बीच रोड। ये रही दूसरी गलती, जी हाँ यहाँ पे 60 लिखा हुआ है लेकिन नीचे ये नहीं लिखा है कि स्पीड लिमिट 60 क्या। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे, और यदि 60 का मेंटेन नहीं होता है, ये पाम बीच रोड है तो इसको 80 की लिमिट कर दीजिए, क्योंकि मेंटेन तो हो नहीं रही है आपसे 60 की लिमिट, और इसमें यहाँ स्पीड लिमिट भी नहीं लिखा हुआ है, अब क्या करें। तो ये है पाम बीच रोड, देखिए आप अपघाती जागा, जी हाँ, और ये देखिए ये गाड़ियाँ आ रही हैं। ये नागरिकों के लिए उन्होंने कहा है कि ओडारों को, ये एक अच्छी चीज़ की है क्योंकि साथ पीछे विलेज है, लेकिन वो देखिए सामने एक और 60 लिखा हुआ है मगर उसमें स्पीड लिमिट नहीं लिखा हुआ है। एक जगह मैंने देखा था गलती से शायद लिख दिया था उसको स्पीड लिमिट, ऐसा मुझे लगता है। तो एक्सीडेंट्स होने के कई कारण हैं यदि देखा जाए, तो थोड़ा सा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और ये मैं जनता के हित में ये वीडियो बता रहा हूँ, क्योंकि यही वो जनता है जो सरकार बनाती है, जो यही वो जनता है जिसका टैक्स सरकार लेती है, जिनसे जिनके लिए सरकार नई नई स्कीमें लाती है, लेकिन जनता के लिए क्या, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, जी हाँ ये रोड चलती रहती है सुबह शाम, दिन रात 24 घंटे इस रोड पे आवागमन चलते रहता है। तो चलते हैं थोड़ा और आगे, जी हाँ। तो मैं हूँ आशीष चौधरी और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं पाम बीच रोड पे लिखा हुआ है सुलभ शौचालय, और ये देखिए ये गाड़ियाँ छूट गई, ये लिखा है नेहरुल सीधा, मुंबई सीधा, कारावे राइट टर्न, ठीक है। तो ये है सुलभ शौचालय, ये है ई टॉयलेट, और देखते हैं अभी ई टॉयलेट में लाइट जल रही है, कॉइन का तो कुछ हिसाब किताब नहीं दिखता है, मगर देखते हैं इसे खोल के, दिखाने लायक तो नहीं है, लेते हैं।
थोड़ी बहुत गंदगी होती है, बाकी तो क्लीन है, लेकिन इस जगह पे ई टॉयलेट का इस्तेमाल कौन करता है? और ये ई टॉयलेट खुला हुआ है, यानी इसमें कॉइन डालने की ज़रूरत नहीं लगती है मुझे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट खोल दिया। अब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो आता है वो इन ई टॉयलेट्स का क्या इस्तेमाल करेगा? तो ये एक तरह से इस जगह पे ई टॉयलेट को लगाना जो है वो मुझे तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ सारी गाड़ियाँ आती हैं और कौन इस ई टॉयलेट का इस्तेमाल करेगा सिवाय यहाँ के कुछ बंदों के, पता नहीं। मैं यहाँ पिछले आधे घंटे से खड़ा हूँ, आधे पौने घंटे से एक भी आदमी आया नहीं। आप देख सकते हैं मैं फिर से यहीं पे हूँ, कोई भी नहीं। इन सारे शौचालयों का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही मिनिमम हो रहा है, जो कि ये सुविधा ट्रैवलर्स के लिए बनाई गई है, लेकिन इस सुविधा का इस्तेमाल ट्रैवलर्स बहुत कम करते हैं, बहुत कम, यानी सिर्फ 2% कहिए। क्योंकि मैं इस रोड से हमेशा ट्रेवल करता हूँ, मैं इस को चीज़ को नोटिस करता हूँ, एज ए पत्रकार एक नोटिस करता हूँ कि क्या इस चीज़ की कमी है जो हमें सरकार को सुझाव देने चाहिए, तो इसे सरकार सुझाव ले, ना कि इसको क्रिटिसिज्म। और ये देखिए, ये एक्सीडेंट कल ही हुआ है पाम बीच रोड के ऊपर, ये जो है वो डिज़ायर। अब कैसे एक्सीडेंट हुआ ये तो पता नहीं है मुझे, बट इसको मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पाम बीच रोड की सेफ्टी के ऊपर जो मेरा न्यूज़ है उसका ये कवरेज है। और ये देखिए, ये पाम बीच रोड, तो सर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे आप बताएंगे? क्योंकि अभी आप आए हुए हैं, कल वाले भाई है, कल रात को हुआ, उनके भांजे साहब है। हाँ, तो कल रात में ये एक्सीडेंट हुआ। हाँ, लेकिन ये एक्सीडेंट होने का मेरे को जहाँ तक के वो लग रहा है कि रिफ्लेक्टर जो है यहाँ तक राउंड में, देखिए आप देखिए सामने के ये राउंड जो बना हुआ है रोड। जी 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 जी, हम मैं दिखा चुका हूँ जी। ये रिफ्लेक्टर जो है अगर पूरा लगा रहता जी, तो हो सकता भाई ड्राइवर अपने आप में जो है काबू में आता और जो इस तरफ गाड़ी रोड पे आ जाती, लेकिन ये रिफ्लेक्टर नहीं रखने की वजह से गाड़ी नीचे उतर गई और ये हादसा हुआ। जी जी जी, ये इतनी बेतुका जो है, इतने बुरी तरह से हुआ है जी, जिसकी कोई हद नहीं। जी जी जी, नहीं मैं आपके साथ आपके गम में शामिल हूँ और मैं समझता हूँ कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी। हाँ, ये रिफ्लेक्टर पूरा लगना चाहिए, थोड़ी दूर तक लगा है और इधर पूरा खाली है, जो है नुकसान हो रहा है। जी जी, धन्यवाद। आने के बाद ई टॉयलेट्स का सिलसिला ख़त्म हो चुका है जी। हाँ, ये देखिए एम्बुलेंस किस तरह से जा रही है, यानी एम्बुलेंस को निकलने के लिए भी जो है वो कभी कभी, लेकिन निकल गई एम्बुलेंस, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, सिग्नल का पालन यहाँ पे अक्सर होता है क्योंकि आगे कॉन्स्टेबल्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो कर्व के ऊपर खड़े रहते हैं इस तरह से, यहाँ पे पब्लिक को दिखता नहीं है, तो वो भी एक्चुअली गलत है क्योंकि पब्लिक को दिखना चाहिए पुलिस कॉन्स्टेबल खड़ा हुआ, ऐसा नियम है। पुलिस कॉन्स्टेबल अपने आप को हाइड नहीं कर सकता है पकड़ने के लिए। जी हाँ, ये कानून है, या कोई भी वाहतुक वाला जान ले जो भी गाड़ी चलाता है, यदि आपको कांस्टेबल छुपा हुआ पकड़ता है, छुप के पकड़ता है, तो वो गलती कर रहा है। तो ये ही पाम बीच की स्टोरी जी। हाँ, और आपने जैसा देखा कि मैंने आपको दिखाया, एक एक्सीडेंट हुआ हुआ है, एक कल रात यानी होली वाली रात को, रंग पंचमी की रात को एक एक्सीडेंट हुआ डिज़ायर का, स्विफ्ट डिज़ायर का, और आपने देखा कि पर्चे उड़ गए गाड़ी के। आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो बीत गई सो बीत गई, पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन वहाँ रिफ्लेक्टर का होना चाहिए था, वहाँ रिफ्लेक्टर होने चाहिए थे वहाँ पे, क्योंकि जो रेलिंग्स लगे हैं वहाँ रिफ्लेक्टर्स नहीं हैं। तो मेरा काम है जनता को अवेयर करना, मैं ये फिर से कह रहा हूँ, मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सुधार लाने की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टू इम्प्रूव इंडिया, टू इम्प्रूव महाराष्ट्र, टू इम्प्रूव नवी मुंबई, टू इम्प्रूव पनवेल रायगढ़ एंड टू इम्प्रूव ऑल ओवर इंडिया। जी हाँ, ये CM साहब के लिए भी संदेश है और PM साहब के लिए भी संदेश है। जय हिंद।